बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी डिसऑर्डर की, दैट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसऑर्डर का एक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जिसके अंदर आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड डिफरेंट डिसऑर्डर्स मिलते हैं। हमने इसका क्लस्टर ए डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंडर जो भी डिसऑर्डर्स आते थे उनको हम इन डिटेल वीडियोस अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके क्लस्टर बी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को रिवाइज करते जाएं, इसको ओवरव्यू करते जाएं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जी पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी बेसिकली आपके पास जो होता है वो मजमुआ होता है करेक्टरिस्टिक्स का, कुछ क्वालिटीज का, जो कि इंसान जो जिनका मजमुआ इंसान को एक इंसान से दूसरे इंसान से डिफरेंट करता है। ठीक है, अगर एक पर्सन में कुछ क्वालिटीज हैं तो दूसरे पर्सन में हो सकता है कि वो क्वालिटीज ना हो। उसी बेस पे पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो बनती है, उसी पर्सन उसी बेस पे उन करेक्टरिस्टिक्स और उन क्वालिटीज की बेस पे जो पर्सन है वो एक शख्सियत जो है उसकी वो सामने आती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। अब वो जो क्वालिटीज जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो आपका बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, आपका बोलने का अंदाज हो सकता है, आपका दूसरों से मिलने का अंदाज हो सकता है, आप इमोशनली किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं वो चीज आ सकती है, आप थिंकिंग के कौन से लेवल पर हैं, ये किस तरह से चीजों को देखते हैं, आपके चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर पर्सनैलिटी ये है तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, यानी कि पर्सनैलिटी में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्वालिटीज हैं वो डिसऑर्डर हो गई हैं, यानी आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो रिस्पॉन्स करने का अंदाज है, इमोशनल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो दूसरों से मिलने का तरीका है, ठीक है, आपके पास जो हाउ टू बिहेव अदर, ये सारी चीजें जो है ये डिसऑर्डर हो चुकी हैं, क्योंकि इनमें ऑर्डर नहीं रहा। जब इनमें ऑर्डर नहीं रहता तो क्या होता है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी उसमें बिगाड़ पैदा होता है और उसको हम कैटेगराइज करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दी गई हैं, तो एक दफा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है जी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और लॉन्ग टर्म पैटर्न। ये लॉन्ग टर्म पैटर्न होते हैं, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको आप 18 ईयर से अबव एज में डायग्नोज करते हैं। अब बिहेवियर एंड इनर एक्सपीरियंस दैट डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड दैट अफेक्ट एटलीस्ट टू ऑफ दीज एरियाज। अब जो एरियाज हैं ये तीन एरियाज दिए गए हैं, इनमें से दो एरियाज आपके अफेक्ट होंगे तब जाकर आप इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हो। और जो स्पेसिफिक आप नाम के साथ अगर डायग्नोज करोगे तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि उसकी क्या स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पर आप उसको डायग्नोज करते हो। तो आपके पास ये एरियाज आ जाते हैं जी, थिंकिंग का, आपके पास इमोशनल रिस्पॉन्स का, एंड रिलेटिंग टू अदर पर्सन, कि आप सोसाइटी के अंदर सोशल गैदरिंग के अंदर किस तरह से लोगों से मिलते जुलते हो और किस तरह से लोगों के साथ रहते हो। ये जा रहे हैं जी क्लस्टर बी पे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो स्पेक्ट्रम या जो डिसऑर्डर की सीरीज है, इसमें जो क्लस्टर बी है आपके पास, उस ग्रुप के अंदर आपके पास जो लोग पाए जाते हैं वो एरेक्टिक बिहेवियर के मालिक होते हैं, ठीक है, उनमें इमोशनल डिस्टरबेंस आपको मिलती है और ड्रामेटिक बिहेवियर होता है इनका। अब यहाँ पे बात वही है कि आपके पास पर्सन की जो इमोशनल आपके पास आ रही है इमोशनल रिस्पॉन्स वो डिस्टर्ब है, ठीक है, और एरेक्टिक बिहेवियर है आपके पास। एक्टिक बिहेवियर कौन से बिहेवियर्स होते हैं आपके पास, बेतरतीब बिहेवियर जिनमें कोई आपके पास रेगुलेशन नहीं मिलती किसी भी बिहेवियर के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर। एक होता है ना इंसान, हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत पंचुअल है, ये रोज पंचुअलिटी को जो है वो फॉलो करता है, एक तरतीब होती है किसी बिहेवियर किसी भी इंसान के बिहेवियर के अंदर, ठीक है, इनमें वो तरतीब नहीं होती, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत ही इरेगुलर सी होती है, इनका जो बिहेवियर और एटीट्यूड होता है बहुत ही इनकन्सिस्टेंट सा होता है। इसके अलावा ये अनप्रिडिक्टेबल हम कह सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल कि अगर आप इन लोगों को बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किस सिचुएशन में किस तरह का रिप्लाई करेंगे आपको। ऐसे लोग जो होते हैं ना वेरियस सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंटली रिप्लाई करते हैं, बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं इमोशनली, आपको नहीं पता होता कि ये पर्सन किस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं बहुत ही इरेक्टिक किस्म के होते हैं, अजीब अजीब से तो नहीं बेतरतीब से होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है बड़ा ही अजीब और गरीब सा होता है, ठीक है, जहाँ पे जो काम नहीं करने वाला ये वहाँ पे वो काम करेंगे, जहाँ पे आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, जहाँ पे उसको गुस्सा आना चाहिए वहाँ पे हो सकता है वो गुस्सा ना करे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए वहाँ पे हो सकता है वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो दे आर बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है इनके बिहेवियर के अंदर, आप इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, क्लस्टर बी के अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, फोर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। इसके बारे में देखेंगे कि ये डिसऑर्डर होता क्या है, इसके पीछे जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जो कॉजेस हैं, कौन सी रूट कॉजेस हैं जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सबब बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, प्रेवलेंस में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि सिम्टम्स या आप इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5 या आप इसको 5TR, क्योंकि अभी न्यू जो एडिशन आया हुआ है DSM का वो 5TR है, तो आप अकॉर्डिंग टू देम भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पे हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पे। तो चलते हैं अपने डिसऑर्डर की। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को शॉर्ट में हम लोग HPT भी कहते हैं। HPT हमारे पास एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आपके पास जो कंडीशन है वो दी गई है, मार्क बाय अनस्टेबल इमोशंस, डिसऑर्डर्ड सेल्फ इमेज एंड ओवर हीलिंग डिजायर टू बी नोटिस। अब यहाँ पे इनकी सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि क्योंकि हमने क्लस्टर बी में बात की थी कि ये लोग ड्रामेटिक भी होते हैं, क्लस्टर बी के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो लोग फॉल करते हैं या जो आपके पास शिकार होते हैं क्लस्टर बी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, वो ड्रामेटिक भी होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, ये ज़्यादातर ड्रामेटिक बिहेवियर आपको करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इनका जो मेन आपके पास थीम होता है या मेन इनके पीछे जो रीज़न होती है ड्रामेटिक बिहेवियर के पीछे, वो ये होती है कि लोग इनको नोटिस करें, इनको अटेंशन मिले। बेसिकली ये लोग अटेंशन सीक करने के लिए इस तरह के ड्रामेटिक बिहेवियर्स को शो कर रहे होते हैं और इन अप्रोप्रिएट टू गेट अटेंशन। अब वो जो ड्रामेटिक बिहेवियर है वो इन अप्रोप्रिएट भी हो सकता है, आप उसको इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कह सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हमारी गैदरिंग में, हमारी एक क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो किसी ना किसी ने हम हमने किसी ना किसी वे में या किसी ना किसी जगह पे हमने एक ऐसा पर्सन जरूर देखा होगा जो हमेशा इस भाग दौड़ में लगा रहता है कि उसको अटेंशन मिले। वो इस तरह की हरकतें करता है, जैसे कि अगर उसने कुछ नए कपड़े पहन लिए हैं तो वो आपको हमेशा, वो एक होता है ना कि वो आपको दिखाना चाह रहा है, या फिर अपने मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन ये कि हाँ बोलते भी हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। अगर उन्होंने हेयर स्टाइलिंग कर ली है, नेल पेंट लगा ली है, तो वो हाथों का यूज ज्यादा करेंगे बात करते हुए, ठीक है, मेहंदी लगा लिया तो भी उनका यही सीन होगा। इसके अलावा जो भी उनका वो चीज होती है, अगर उन्होंने बैग लिया हुआ है तो हमेशा वो बात करते हुए आपके आगे जो है वो बैग रखेंगे। इस तरह की चीजें होती है ना, स्पेशली क्योंकि ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, गर्ल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है गर्ल्स में ये बिहेवियर देखने को मिलता है, इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है जिनसे उनको अटेंशन मिल रही होती है। अटेंशन सीक करने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की चीजें बोलते हैं। बाज़ औक़ात हमें ये भी फील होता है कि यहाँ पे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी इस पर्सन को, लेकिन इसने बोल दी। अब यहाँ पे इसका इस चीज़ का कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी इसने बोल दिया, क्योंकि वो अटेंशन सीक करना चाह रहे होते हैं, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इनका जो आपके पास सेल्फ इमेज होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, ये लोग नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव थिंकिंग या फिर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव जो इनके बिहेवियर है उसको लेकर अपनी अटेंशन को सीक करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर कैसे, नेगेटिव बिहेवियर में आगे चलकर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बात करेंगे इसकी, कि कौन से नेगेटिव बिहेवियर्स को ये शो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे ऐसा हो सकता है ना कि आप किसी, आपको ये विश हो, एज ए नॉर्मल पर्सन तो हमें सबको विश होती है कि हम लोग एक अटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए, हमारे यहाँ जो है वो आपके पास एक नॉर्मल लेवल तक विश होती है कि लोग हमें जो है वो अप्रिशिएट करें, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, ये चीज़ हमारे अंदर नॉर्मली एज अ नॉर्मल पर्सन पाई जाती है, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पर पाई जाती है, और इसके लिए हम पॉजिटिव वेज को यूज़ करते हैं रादर देन नेगेटिव वेज। पॉजिटिव वेज क्या हो सकते हैं कि हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, कुछ अचीवमेंट्स ले लेते हैं, स्टडी एकेडमिक लेवल पर ले जाए अगर हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा GPA बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि लोग हमें जो है वो मुझे लोग जो है वो अप्रिशिएट करें, मुझे मेरे लोग जो है वो तारीफ करें। लेकिन ये लोग जो होते हैं नेगेटिव बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं, वो नेगेटिव बिहेवियर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनको देखेंगे कौन से नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जिनको ये शो कर सकते हैं।
रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स में आपके पास बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें आपके पास जेनेटिक भी आ सकता है, जेनेटिकली रन भी कर सकता है ये, ठीक है। ये तो हमने सब डिसऑर्डर्स में बात की है कि जेनेटिकली या फिर आपके क्लोज रिलेटिव में अगर कोई इस तरह का डिसऑर्डर होता है तो चांसेस होते हैं कि वो आगे डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसफर होगा। इसके अलावा आपके पास चाइल्डहुड ट्रामाज आ जाते हैं, इनकी भी बात हमने की है अपनी लास्ट वीडियोज में भी, जितने भी डिसऑर्डर्स आए हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है आपके पास पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि एक नया आपके पास काजिज है या नया आपके पास जो है वो रीजन है किसी भी डिसऑर्डर का। हिस्ट्रॉनिक डिसऑर्डर में आपके पास जो है वो एक रिस्क फैक्टर्स या एक काजिंग फैक्टर जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल भी है। पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह से है कि आप अगर अपने बच्चे को बहुत ज्यादा री इन्फोर्समेंट दे रहे हैं किसी भी एक बिहेवियर को लेकर, या किसी भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, या फिर किसी भी ड्रामेटिक बिहेवियर को लेकर, जैसे अक्सर होता है कि बच्चे जो है वो जानबूझकर रोना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी चीज को लेकर, या फिर वो इरिटेशन शो करते हैं, या फिर वो आपके पास जो है वो गुस्सा शो करते हैं। बिहेवियर वो जो है वो इनअप्रोप्रिएट ही होता है, लेकिन आप जो है पेरेंट, एज अ पेरेंट जो है आप उनको जो है वो हंस रहे होते हैं या फिर आप उनको अटेंशन देते हैं, तो वो उनकी एक हैबिट बन जाती है कि हम अटेंशन जो है वो इस तरह से गेन कर सकते हैं पेरेंट्स से। तो हम इस तरह के बिहेवियर करेंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी, किसी की भी अटेंशन मिल सकती है। तो इस तरह से जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हम सबको कि अपने बच्चों को जो है वो इनअप्रोप्रिएट या फिर जो बिहेवियर अच्छा नहीं है उनके लिए, जो गलत बिहेवियर है, ठीक है, उसमें उनको कोई भी जो है वो अटेंशन ना दी जाए, ठीक है। जैसे बचपन में होता है ना कि एक बच्चे को अगर मना किया जाए कि बेटा ये नहीं करो तो वो जानबूझ के बार बार वो रिपीट करता है, ठीक है। वो रिपीट इसलिए करता है कि पेरेंट उसको बार बार मना कर रहे होते हैं, उसको अटेंशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको लगता है कि मैं इस तरह की हरकतें करूंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगी, मेरे पेरेंट्स मुझे जो है वो अटेंशन देंगे, तो ये चीज आ जाती है। तो यहाँ पे अगर उसने उसका पेरेंटिंग स्टाइल में अगर इशू आ रहा है तो भी इस तरह के पर्सन बन सकते हैं। अब यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल में आपके पास पीछे जो रीजन हो सकता है वो ये है कि पेरेंट्स पहले अटेंशन नहीं दे रहे, ठीक है। पेरेंट्स में मदर भी बिजी है और फादर भी बिजी है, दोनों जॉब ही हैं, तो दोनों जॉब पे चले जाते हैं, रात को आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को टाइम नहीं मिलता। तो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। स्कूल में अगर हो सकता है कि वो इस तरह की इनअप्रोप्रिएट वे में कुछ बिहेवियर शो करें, जिसकी वजह से उसकी जो है वो बच्चों की जो कंप्लेन्स है उनके पेरेंट्स के पास आए, पेरेंट्स फिर बच्चों के साथ अटेंशन शो करें, तो इस तरह का भी सिलसिला हो सकता है आपके पास देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपके पास पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी देखने को मिलती है पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर, कि अगर आप बच्चे को किसी भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के सामने पॉजिटिवली री इन्फोर्स कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं पॉजिटिवली, तो आपके पास ये जो है वो आगे चल कर ये रिस्क फैक्टर बनेगा कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फॉल कर सकता है। प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास आ जाती है 2%, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है, या आप ये कह सकते हैं कि गर्ल्स में ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, ठीक है। ये ज्यादातर गर्ल्स जो है वो इस तरह के बिहेवियर को शो कर रही होती है। अगर बात की जाए इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे जो कि DSM-5 में दिया गया है, वो हमारे पास आ जाता है अप्रिवेसिव पैटर्न ऑफ एक्सेसिव इमोशनैलिटी आ जाती है, एंड अटेंशन सीकिंग बिगनिंग बाय अर्ली एडल्टहुड एंड प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपको जो चीज देखने को मिलती है वो एक्सेसिवली इमोशनैलिटी देखने को मिलती है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर देखने को मिलता है, जो कि अर्ली एडल्टहुड में ऑनसेट होना स्टार्ट हो जाता है या ऑनसेट हो जाता है आपके पास, क्योंकि जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं उनको हम 18+ डायग्नोज कर रहे होते हैं। और आपके पास DSM में 8 सिम्टम्स दी गई हैं, जिसमें से आपको 5 रिक्वायर होती हैं जिसमें आप डायग्नोज करते हो कि ये हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर 8 सिम्टम में से 5 जो है वो प्रेजेंट है किसी पर्सन के अंदर, तो हम उसको डायग्नोज कर देंगे कि ये जो पर्सन है ये हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पर्सन है या क्लाइंट है। तो हमारे पास जो सबसे पहला सिम्टम आता है उसके अंदर वो ये है कि इज अनकंफर्टेबल इन सिचुएशन विच इन विच ही और शी इज नॉट सेंटर ऑफ अटेंशन। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो यही है कि सेंटर ऑफ अटेंशन इनको होना जरूरी है इनके लिए, ठीक है। इनके लिए इनकी जो विश होती है, इनके लिए इनकी जो हमेशा एक जो प्रायोरिटी कह सकते हैं वो ये होती है कि हमेशा ये लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमें अटेंशन मिले। बीइंग अ नॉर्मल पर्सन हमारा भी ये हमारी भी यही विश होती है कि यार हमें भी अटेंशन दे, हमारी भी कोई तारीफ करे अगर हमने ये कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारी उस लेवल तक नहीं होती। जब एक नॉर्मल लेवल की बात की जाती है तो एक नॉर्मल पर्सन आता है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर नॉर्मल लेवल की विश पाई जाती है, ठीक है। और हम लोग ये भी कहते हैं यार
ठीक है, अगर जो है वो नॉर्मली हमारी एज जो है हमारे पेरेंट्स या फिर हमारा पार्टनर हमारी जो है वो इस चीज को हमारी तारीफ कर देता है, तो हमारे लिए ये इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। लेकिन आगे चल के ये लोग जो होते हैं, ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि सब लोग जो है जिस सर्कल में ये जा रहे हैं, जिस गैदरिंग में ये जा रहे हैं, जिस सेरेमनी में ये जा रहे हैं, चाहे वो क्लासरूम है, चाहे वो आपके पास कोई भी चीज़ है, फॉर्मल प्लेस है, वो इसमें यही इनकी कोशिश होती है कि हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहे। और ये सेंटर ऑफ अटेंशन होने के लिए ये लोग जो होते हैं वो नेगेटिव बिहेवियर्स को शो करते हैं, ये नेगेटिव जो आपके पास आ जाते हैं वेज हैं उनको यूज करके अपनी जो है वो अटेंशन को सीक करते हैं। अब नेगेटिव वेज क्या हो जाते हैं, आपके पास दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, इंट्रैक्शन विद अदर इज ऑफन कैरेक्टराइज बाय इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअली सिडक्टिव और प्रोएक्टिव बिहेवियर। अब यहाँ पे ये एक नेगेटिव वे है आपके पास, जिसके थ्रू ये जो है आपके पास जो अटेंशन है उसको सीक कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल पर्सन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो इस तरह की हरकतें करके, बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें, तो इस तरह की हरकतें करके आप किसी के अटेंशन को सीक करें। एक नॉर्मल पर्सन की अगर बात करें तो इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं करता, ठीक है? तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। एक नॉर्मल पर्सन, मैंने पहले भी कहा कि वो एक पॉजिटिव वे में जाकर कहेगा कि मुझे इस तरह से अटेंशन मिले लोगों की, मुझे इस तरह से लोग जाने। लेकिन ये लोग जो होते हैं वो बहुत ही प्रोएक्टिव बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल सीडक्टिव बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं, सेक्सुअली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस्मानी तौर पर अपनी जो है वो अट्रैक्शन को इंक्रीज करके, इनको ये होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, जिसकी वजह से वो उसको कैच करते हैं, इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं जो इनको बोल्ड जो है वो नजर आने में हेल्प करते हैं, ठीक है? इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं जो इनको सेक्सुअल जो है वो सेक्सी कह सकते हैं कि वो नजर आने में हेल्प कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से ये जो है वो प्रोएक्टिव बिहेवियर, मतलब कि दूसरे लोग, दूसरे जो सामने वाला पर्सन है उसको वो प्रोवोक कर रहे होते हैं, कभी एंगर के लिए प्रोवोक कर सकते हैं ये लोग, इसके अलावा सेक्स के लिए प्रोवोक कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह का इनका बिहेवियर होता है, इस तरह की इनकी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है? और इस तरह की इनकी टॉकेटिव, मतलब ये बोलते भी है ना बहुत ही ड्रामेटिक वे में बोल रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द वैसे तो हमें लोग मिलते हैं यार ऐसे, जो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। हमें पता होता है कि ये इसके बोलने का अंदाज भी बहुत ही सबसे डिफरेंट होता है। कभी वो, मैंने पहले भी बात की थी कि अगर वो कोई नई चीज़ पहन लेते हैं, कोई आपके पास जो है वो नए कपड़े पहन लिए हैं, आपके पास अगर उसने जो है वो आपके पास नए ले लिए हैं या फिर नेल पेंट या कुछ लगा लिया है, तो वो आपको जरूर शो करवाएंगे। और उनका ये होता है कि हर कोई उनकी इस नई चीज की या फिर उनकी तारीफ करता रहे, उनके बालों की, उनकी आंखों की, उनकी बॉडी की। और इस वजह से ये लोग अपने जो बॉडी होता है, ये अपेयरेंस होता है उसकी, उसके लिए बहुत परेशान होते हैं कि हम कहीं जो है वो हमारे मुंह पे झुर्रियां ना पड़ जाएं, हमारी जो है वो हम मोटे ना हो जाएं। इन लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज की टेंशन रहती है, ताकि लोग जो है वो हमें अटेंशन देना ना बंद कर जाएं, क्योंकि उनका जो अटेंशन का सोर्स होता है, उनको ये लगता है कि ये हमारा अटेंशन का जो है वो सोर्स है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको कि ये लोग अनकंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन लेते हैं जो कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पर्सन है, तो जब वो किसी सेरेमनी में जाएगा या किसी पार्टी में जाएगा, अगर उसको अटेंशन नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा, वो छोड़ के वहां से चला जाएगा। नेक्स्ट डे अगर उससे पूछा भी जाएगा या वो क्लेम, खुद कंप्लेन भी कर सकते हैं कि मुझे वहां पर अटेंशन नहीं मिलती, और वो जो है आप उसको खुद भी देख सकते हो कि वो चला जाता है और वो एंगर भी शो करता है उस चीज के ऊपर। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारी फैमिलीज में, हमारे फैमिली सर्कल में तो कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो इस तरह का बिहेवियर जो वो शो कर रहा होता है। अगर उसको इस किसी भी सिचुएशन में जो है वो ना मिले, अटेंशन ना मिले, तो वो क्या कहेगा कि मुझे अटेंशन नहीं दी गई, मैं वापस आ गया हूँ और मैं नाराज हूँ। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, फ्रेंड सर्कल्स में भी होता है, आपकी क्लास में जरूर कोई एक पर्सन जो है वो ऐसा पाया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नंबर थर्ड पे, डिस्प्ले रैपिड शिफ्टिंग एंड शैलो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अगर इनके, अगर इमोशंस की बात की जाए, अब इमोशंस में ये क्या शो कर सकते हैं कि रोना शुरू कर देंगे, ठीक है, अटेंशन को पाने के लिए। उसके बाद आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग बेहोश हो जाए, ठीक है, वैसे होते तो नहीं है रियल में बेहोश, लेकिन वो ड्रामेटिक तौर पर वो क्या करेंगे, इस तरह की चीजें शो करेंगे कि मैं बेहोश हो गया हूँ, मुझे कुछ हो गया है, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, मुझे जो है वो रोना आ रहा है, मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ, इस तरह की चीजें भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये भी चीजें हो सकती हैं कि इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत शैल होते हैं, क्योंकि ये ड्रामा होता है कम्प्लीटली तौर पे, तो ये बहुत ही रैपिडली चेंज होते हैं, एक
टाइम पे वो रो रहा है, जब आपने उसको अटेंशन दी है तो उसके एकदम से एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस उसका जो इमोशंस हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। वो आपसे बातें करना स्टार्ट कर दिया उसने और वो एकदम से जो है वो हैप्पी होना स्टार्ट हो गया, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम वो पीपल भी ले सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो कांटेक्ट होते हैं हमारे व्हाट्सएप पे या फिर कहीं किसी भी जगह पे, उनमें से कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो हमेशा हमेशा जो है वो रोने धोने वाले स्टेटस लगाए होते हैं उसने। और जब उनसे पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या काज है, आप इतने सैड क्यों हैं, या आप इतने आपने क्या हुआ है, कोई रीजन है, एज अ नॉर्मल पर्सन हम कभी कभी ये चीज शो कर देते हैं, लेकिन क्या चीज है क्या नहीं है, तो वो कहेगा कि उसके पीछे कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं होता, उसके पीछे कोई कॉज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस तरह के बिहेवियर्स को शो कर रहा होता है, इस तरह की चीजें करता है ताकि लोग उसको अटेंशन दें, लोग उसको मैसेज करके पूछें कि व्हाई यू, आप क्यों सैड हो, क्या हुआ है, क्या है, क्यों हो, किस तरह से हो। ये चीजें उनको बहुत ज्यादा जो है वो चाहिए होती हैं, इन चीजों को वो सीख कर रहे होते हैं कि हमारे लोग जो है वो अटेंशन दे रहे हो। तो ये चीज भी आ सकती है, आप इसको भी एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नंबर फोर पे, कंसिस्टेंटली यूज़ेस फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन टू अदर। ये हमने पहले भी बात की है कि ये लोग अपनी जो फिजिकल आपके पास अपीयरेंस होता है उसको यूज कर रहे होते हैं अपनी दूसरों की जो अटेंशन है उसको सीक करने के लिए। हैज अ स्टाइल ऑफ स्पीच दैट इज एक्सेसिवली इन इम्प्रेशनिस्टिक एंड लैकिंग इन डिटेल। अब यहाँ पे डिटेल नहीं है, ठीक है, और आपके पास जो इनका वे ऑफ स्पीच होता है वो बहुत ही एक्सेसिवली इम्प्रेशनेटिक होता है, मतलब कि ये बहुत अपना एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं ये लोग, ठीक है, दूसरे के ऊपर इस तरह के इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। अब कुछ लोग इनके इम्प्रेशन को नेगेटिव भी लेंगे, कुछ लोग इनके इम्प्रेशन को पॉजिटिव भी लेंगे, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि जो अटेंशन सीख करना चाह रहे होते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो मेच्योरिटी लेवल पर होते हैं या फिर इस तरह के लोग होते हैं, फिर उनको ये चीजें जो है वो अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो उनको नापसंद होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शो सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, थ्रेटिकली एंड एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन। आप यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि ये आपके पास बहुत ज्यादा इनका जो आपके पास ड्रामेटिक बिहेवियर होता है, इसके अलावा आपके पास क्या होगा कि ये लोग मुबालगा अराई, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे कि जो कि उनके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो उस चीज को शो कर रहे होते हैं, अपनी फिटनेस को, अपनी चीजों को बहुत ही ध्यान से ये जो लोग है ना वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने देख रहे होते हैं कि हम किसी चीज से लैक ना करें, हमारी बॉडी जो है वो हमें कोई जिसकी वजह से अटेंशन जो है वो हमारी डाइवर्ट हो जाए लोगों की, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट इज सजेस्टेबल, ठीक है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंड सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि ये लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही इजीली जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इजीली जिसके साथ अटैच होते हैं ना, मतलब इनको यही होता है ना कि आप इनको अटेंशन चाहिए होती है तो ये इजीली दूसरों के साथ जो है वो इन्फ्लुएंस दूसरों से होना स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरों से बातें करना, दूसरों की तरफ सेक्सुअली तौर पर जो है वो अट्रैक्ट होते जाना, ठीक है। और आपके पास जो है वो आपके पास आ जाते हैं और क्या हो सकता है कि मतलब इस तरह के बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देंगे और दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इनको अटेंशन दे रहा है वो उस चीज से बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गया। अब एक चीज मुझे और याद आई है, आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया आपके पास, और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे एफबी होगी, रील्स होगी, आप इस तरह की चीजें जब देख रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आउट ऑफ द नो वे वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है, उन चीजों को हम लोग अगर हम लोग के ना कि हम लोग पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ को लाइक करते हैं, जो इन चीज़ों को लाइक करने की वजह से वो समझते हैं, और जो बनाने वाला वो ये समझेगा कि मेरी इस चीज़ को पहले वो अगर वो इस तरह के काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे काम कर रहा है, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, फिर वो क्या आया, वो नेगेटिविटी की तरफ आया कि अब मुझे अटेंशन मिलेगी। जब वो इस तरह से अटेंशन पा लेता है, ठीक है, लोग उसको अटेंशन देते हैं, चाहे आप नेगेटिव तौर पर कर रहे हैं, चाहे वो आप कमेंट्स में ये लिख रहे हैं कि यार ये बहुत गलत कर रहा है, इस तरह की चीजें नहीं इस्लाम में जायज, और ये सारी चीजें आप लिख रहे हैं, लेकिन जब उसको कमेंट्स मिल रहे हैं, जब उसको जो है व्यूज
मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमारी ये भी नेचर होती है कि अगर हमने एक एक पर्सन ने देखा ना यार, उसकी पूरी वीडियो देखी है, हम दूसरे से जरूर डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली सर्कल्स में, कि यार उस बंदे की वो वीडियो देखी, उसने कितनी अजीब सी वीडियो बनाई हुई है और कितनी बोल्ड वीडियो बनाई हुई है। फिर वो लोग भी वहां पे जाकर देखते हैं, जिसकी वजह से उनको व्यूज मिलते हैं, उनको कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि हम उसको रिपोर्ट करें, इग्नोर करें, हम उस चीज को जो है वो इस तरह से अटेंशन दे रहे होते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी तो नेगेटिव अटेंशन ही है, लेकिन आप उसको अटेंशन जरूर देते हैं, जिसकी वजह से उसको शो होता है कि मुझे अटेंशन मिल रही है, ठीक है, मुझे व्यूज मिल रहे हैं, मैं जो है वो इस तरह से फेमस हो रहा हूँ, चाहे कोई भी तरीका है, ठीक है। तो मैं इस तरह से फेमस हो रहा हूँ, तो आप इस तरह के टिकटॉकर्स भी मिलते हैं और इस तरह के लोग भी मिलते हैं जो इस चीज को नेगेटिविटी तौर पर कह सकते हैं, लेकिन प्रमोट जरूर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि अब हमारा चैनल जो है वो बहुत ऊपर जाएगा और हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो मिलेगा, अटेंशन मिलेगी, ठीक है, और हम फेमस हो जाएंगे। तो ये चीज भी होती है आपके पास। अब यहाँ पे एक ड्रामा भी मुझे याद आ रहा है कि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बागी आई थिंक सबा कमर का ड्रामा था, उसमें जो उन्होंने सोशल मीडिया का अकाउंट जो रन कर रही थी, आई आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम, मुझे उनका ओरिजिनल नाम नहीं याद जिस के रेफरेंस से वो ड्रामा बना था। तो उसमें भी जो वो गर्ल होती है वो अटेंशन पाने के लिए, सोशल मीडिया की अटेंशन जो होती है उसको पाने के लिए इस तरह की नेगेटिव हरकतें जो है वो कर रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास लास्ट में आ जाता है, कंसीडर रिलेशनशिप टू बी मोर इंटीमेट देन दे आर एक्चुअली, ठीक है। जब इनके रिलेशनशिप्स बन जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा उसके लिए ओवरली तौर पर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ओवरली तौर पर जो है ना ये कहते हैं कि अब हमारा रिलेशनशिप इससे बन गया है तो ये सिर्फ हमें अटेंशन दे, ये किसी और के पास ना जाए, ठीक है, किसी और का अटेंशन ना दे। उसके बावजूद ये जो है ना आपके पास आ जाती है कि बहुत ज्यादा इनको जो होता है इस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग इस तरह की हरकतें करना तो बाज नहीं आते, चाहे इनका रिलेशनशिप बन गया, अब इनकी शादी हो गई है, मैरिज के बाद भी इस तरह की जब ये सिचुएशंस आती हैं तो पार्टनर जो है वो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल पार्टनर है, तो आपके पास जो है वो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि फिर वो लड़ाई झगड़े और इस नौबत यहाँ तक भी आ सकती है कि डाइवोर्स हो जाती है, कभी कभार जो है वो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो ये इसके 8 आपके पास सिम्टम्स थे, जिनमें से आपके पास 5 का होना जरूरी होता है, जिसकी बेस पर आप हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं। बात करें अगर हम ट्रीटमेंट पे, तो ट्रीटमेंट इसका जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो साइकोथेरेपी होती है। मेडिकेशन को यहाँ पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है, साइकोथेरेपी को फर्स्ट लाइन जो है वो ट्रीटमेंट समझा जाता है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। इसमें आप पर्सन को डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं, उसको रियलिटी से जो है वो इंटैक्ट करवाते हैं, किस तरह से कि उनको बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वो दूसरों से तारीफें सुने तो ही उसको अपना आप अच्छा लगे, आप अपने आप को भी अच्छे लग सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर आप अपने आप को अच्छे लगते हैं, अगर आप अपने आप का ख्याल रखते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ना कि अपना अपनी आपको बॉडी अपनी 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 बॉडी से अपनी सेल्फ से आप सेटिस्फाई हैं, तो आपको दूसरों की तारीफों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक सिखाई जाती हैं जिसकी बेस पे उनको बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से लोगों की जो सिचुएशन है इन सिचुएशन से दूर हो सकते हैं, ये चीज़ें सब फेक हैं, इनको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, इनको डिफरेंट छोटी छोटी टेक्निक सिखाई जाती हैं जिससे ये जो है वो इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हाँ, अगर मेडिकेशन की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट लाइन इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें मेडिकेशन नहीं दी जाती है, अगर प्योरली पर्सन को जो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ साथ डिप्रेशन और इसमें एंजाइटी या फिर स्ट्रेस भी पाया जाता है, क्योंकि अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रही तो वो इस तरह की सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर पर्सन के अंदर डिप्रेशन या फिर आपके पास इस तरह के कोई भी सिम्टम है, डिप्रेशन होगी या फिर आपके पास एंजाइटी होगी, स्ट्रेस हो गया या फिर किसी भी और डिसऑर्डर से को मॉर्बिड कर रहा है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि आप उसने उसको मेडिकेशन देनी है या नहीं देनी। लेकिन फर्स्ट जो इसका फर्स्ट लाइन होता है आपके पास प्योरली जो ट्रीटमेंट होता है वो साइकोथेरेपी होती है, और इसमें जो साइकोथेरेपी चलती है ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म की चलती है। एज नो मैंने प्रीवियसली भी ये डिस्कस किया था कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनको
मैनेज करने के लिए या उनको उन पर्सन्स की जो थॉट पैटर्न्स है उनको चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग साइकोथेरेपी होती है इनके अंदर। तो यहाँ पे भी आपके पास एक लॉन्ग टर्म जो है वो साइकोथेरेपी चलेगी। मेडिकेशन डिपेंड करती है किसी भी कोमॉर्बिडिटी या फिर किसी और डिसऑर्डर के ऊपर। हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी मानिल्ला।